आप सबको स्वागत है। आज हम कर रहे हैं रिकॉर्डिंग 19 मार्च की शुरुआत की। आज बात हो रही भरपूरता की। भरपूरता मतलब कि हम क्या अंदर से भरपूर हैं कि नहीं है। जैसे घड़े को देखें आप, घड़े को अगर भर दें पूरा, उसको हिला नहीं सकते आप, डुला नहीं सकते, मुश्किल हो जाता है। लेकिन खाली घड़ा हो तो वो खाली घड़ा हिलता डुलता रहेगा, जहाँ जाएगा वहीं हिलता डुलता रहेगा, जहाँ आपने उसको धक्का मारा वहीं होगा। हम भी अपने जीवन में ऐसे कभी कभी बन जाते हैं और हमारा जीवन हमारे सामने, हमें समझ नहीं आता कि हमारा जीवन कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है। क्योंकि हम भी क्या होते हैं, हमें जहाँ किसी ने कुछ कह दिया, कुछ बोल दिया, हम उस अनुसार अपने मूड को बना लेते हैं। मतलब कि हम भी क्या होते हैं, घड़े के से हिलते डुलते रहते हैं। तो परमात्मा चाहते हैं कि हम भरपूर बने, क्योंकि भरपूर चीज डुलती नहीं, कोलैप्स नहीं करती है ना। तो उसी तरीके से अगर आप देखें, एक सेल जो होता है, कोशिका जो होती है आपकी, उसके अंदर अगर आप सारे सेल्स की सारी अंदर की चीजें निकाल दें तो सेल की जो वॉल होती है वो कोलैप्स कर जाती है। तो हम भी अपने जीवन में जब हम भरपूर नहीं होते, हमारे अंदर शक्तियां, दिव्यता, गुण हमें नहीं होती हमारे अंदर, हम इस सिचुएशन को जब फेस करते हैं तो अवगुणों को इस्तेमाल करते हैं, शक्तिहीन होकर के हम कार्य करते हैं, तो हमारे सामने दिक्कतें बढ़ती हैं। इसलिए आज परमात्मा कहते हैं कि सर्व रूहानी खजानों से संपन्न बन। रूहानी खजाना यही है जो कि ब्रह्म कुमारी में सिखाए जाते हैं। सदा संतुष्ट रहने वाले ऑलराउंड सेवाधारी बाबा। संतुष्ट कब होगा आप, जब आप भरपूर फील होगे। कोई अगर बहुत ही अमीर इंसान होता है, धन संपत्ति होती है, प्रमोशन मिल रही होती है, सब कुछ हो रहा होता है, तो वो भरपूर होता है, भरपूर महसूस करता है भारी रूप से। लेकिन उसके सामने ये सारी चीजें छीन ली जाए तो वो भरपूर महसूस नहीं करता। परमात्मा यहाँ बात कर रहे हैं कि आंतरिक भरपूरता की, भारी भरपूरता की। तो ऑलराउंड सेवाधारी अर्थात मास्टर सुखदाता, मास्टर शांतिदाता। सुख कौन सा, धन संपत्ति वाला सुख नहीं, और को आप अच्छी चीजें बोल करके, उनके गुण दिखा करके आप उनको सुख दे सकते हो। दुनिया आज एक दूसरे के ऊपर लालचन, ईंटें, पत्थर फेंकती है, लेकिन यहाँ परमात्मा कहते हैं आप उनके ऊपर फूल फेंको। मास्टर शांतिदाता, उनके उनको आप शांति दो। शांति कब दे पाते हैं, जब हम सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, सिचुएशंस होती हैं, वो हम अपने ऊपर लेते हैं, औरों के ऊपर नहीं डालते हैं, तब उनको हम शांति दे पाते हैं। मतलब कि हम भरपूर बन चुके हैं, हम कोई भी सिचुएशन को फेस कर सकते हैं। मास्टर ज्ञानदाता, ज्ञान देना मतलब कि सिर्फ ज्ञान नहीं सुनाना, ज्ञान देने का तरीका भी होता है कि आप कर्मों के द्वारा किसी को ज्ञान दो, सिर्फ बोल करके नहीं। दाता सदा संपन्न मूर्त होते हैं, जैसा स्वयं होंगे वैसा औरों को बनाएंगे। जैसे हम खुद होंगे, हमें देख करके और वैसे बनेंगे, माता पिता को देख करके बच्चे बनते हैं। रूहानी सेवाधारी अर्थात एवर रेडी और ऑलराउंड। वो ऑलराउंडर होता है, एवर रेडी होता है, उसको ये नहीं होता कि आज मेरा मूड ऑफ है, आज मैं सेवा नहीं करूंगा। ऑलराउंड वही बन सकते जो संपन्न है, जो कंप्लीट है, वो ऑलराउंड, वही बात हुई ना, सेल ऑलराउंड। संपन्न ही संतुष्ट होंगे, जो कंप्लीट होंगे अंदर से, गुणों से, शक्तियों से, जिनको अनुभव होंगे कि ये प्रॉब्लम को कैसे फेस करना आता होगा उनको, तो फिर वो क्या होंगे, वो संतुष्ट होंगे, वो कभी घबराएंगे नहीं और सबको संतुष्ट करेंगे। हर किसी को वो सही दिशा में लेके जाएंगे और बोलेंगे ये करिए, और सब कुछ करके दिखा देंगे। किसी भी प्रकार की अप्राप्ति असंतुष्टता पैदा करती है, कोई भी अप्राप्ति हो, मतलब कि हमारे अंदर गुण ना हो, शक्ति ना हो, तो क्या होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, असंतुष्ट हो जाते हैं, क्या करें, कैसे करें, ये सिचुएशन कैसे पार करें। संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने की विधि है संपन्न और दाता बनना। संतुष्ट रहने खुद भी और संतुष्ट करने की विधि है संपन्न और दाता बनना। पहले खुद कंप्लीट बनो, मेडिटेशन से, परमात्मा से शक्ति लो, शांति लो, ज्ञान गुण लो, और उसके हमने औरों को बांटो। ये सब कुछ आपको सिखाया जाता है ब्रह्म कुमारी, उसमें आपको भी आकर के ये सब कुछ सीखने की मोहलत निकालनी चाहिए और सीख करके औरों की भी जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए, सुख की तरफ, शांति की तरफ, खुशी की तरफ। ओम शांति के साथ।